गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक और मैं हूं प्रत्यूष। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में जैसे न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। आज हम लोग इंडिया एंड द कोल्ड वॉर से स्टार्ट करेंगे और ये होगा हमारा लास्ट पार्ट चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। एज ए लीडर ऑफ नैम, जो इंडिया था, इंडिया नैम में एक लीडर जैसे प्रेजेंट हुआ था, उसका जो कोल्ड वॉर की तरफ एक रेस्पॉन्स था वो ना टू वे था। पहला लेवल क्या था, इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस। उसने ये खासा ध्यान रखा कि वो दोनों अलायंसेस से एक दूरी मेंटेन करके चले। उसका जो सेकंड स्टेप था, इट रेज वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस। तो जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो उनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, उनको अगर फोर्सफुली या फिर वो वॉलंटरीली, बेवकूफ़ी में वॉलंटरीली अगर वो लोग किसी सुपर पावर के अलायंस में ज्वाइन कर रहे थे, इंडिया वो था जो खुद आवाज उठाता था कि आप ये गलत स्टेप ले रहे हैं। सो इंडियाज पॉलिसीज वॉज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। और नेहरू ने एक समय में पूरे दुनिया को याद दिलाया था कि नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। नैम वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन द कोल्ड वॉर राइवलरीज। जैसे हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा था कि इंडिया ने खासा हेल्प किया था टू मीडिएट द वॉर बिटवीन द टू कोरियाज। इंडिया ट्राइड टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द अलायंसेस and thereby prevent differences from escalating into a hot war or a full-scale war, which could also be known as shooting wars. Indian diplomats, leaders, were often used to communicate and mediate between Cold War rivals. जैसे मैंने पहले example भी दिया था कि in the Korean War in early 1950s. ये क्वाइट इम्पोर्टेंट है याद रखना कि इंडिया चोज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड ग्रुप इन दिस मिशन। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया ने रिपीटेडली ट्राई किया था टू एक्टिवेट दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर नॉट पार्ट ऑफ द अलायंसेस, जो सुपर पावर्स लीड करते थे। सुपर पावर्स कौन? यूएसए और यूएसएसआर। नेहरू रिपोज्ड ग्रेट फेथ एंड इन अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस। तो नेहरू का इस जेन्युइन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस में क्वाइट फेट था कि इससे कुछ हो सकता है। एज फॉर ये ना पॉजिटिव रोल प्ले करता है इन सॉफ्टनिंग इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वॉर। तो ये कोल्ड वॉर राइवलरी इसको सॉफ्ट जरूर कर देता अगर वो एट द एंड उसको एंड ना कर सके। Non-aligned posture was served India's interest very directly in at least two ways. तो ये ना हम लोग अभी non-aligned movement के ना advantages पहले पढ़ेंगे, दो advantages। पहला, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interests rather than the interests of a superpower and its allies. ये एक बहुत बड़ी बात थी ऐसे कंट्री के लिए जिसको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी कि वो इंटरनेशनल अरीना में कुछ मीन करता है। वो खुद के डिसीजंस और खुद का स्टांसेस ले सकता है ऑन डिफरेंस एंड वेरियस मैटर्स, और कि उसके जो डिसीजंस होंगे वो किसी से ज्यादा इंक्लाइंड, किसी की तरफ इंक्लाइंड नहीं रहते। सेकंड, इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for being granted or bully it. तो अभी क्या हुआ, जब इंडिया ने ये सब करना स्टार्ट किया था, नैम मूवमेंट को लीड करना, इंडिया अभी एक बैलेंसिंग एक्ट कर सकता था विद यूएसएसआर एंड यूएस इन बॉट ओवर शोल्डर्स। अगर यूएस उसको अनड्यू प्रेशर देता या यूएसएसआर, वो अपने अपोजिट वाले सुपर पावर की तरफ इंक्लाइन हो सकता था। जिस कारण उनको अपना अनड्यू एडवांटेज हटाना पड़ता है या लेवरेज हटाना पड़ता है। तो ये जो रिलेशनशिप बन गया था दो वर्ल्ड पावर्स और इंडिया के बीच में, इसमें हर तरह से एक लेवरेज ना इंडिया की तरफ ही रहता था। India's policy of non-alignment was criticized on a number of counts. जिसके advantages होते हैं ना उसके disadvantages भी होते हैं, तो उसे criticize भी किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम उसके दो criticisms के बारे में पढ़ेंगे। First, India's non-alignment was said to be unprincipled. Non-alignment को unprincipled कहा गया था। In the name of pursuing its national interests, India was said often refused to take a firm stand on crucial international issues. जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि मतलब वो दोनों सुपर पावर्स को बैलेंस कर रहा था, तो मतलब यही क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया का ये जो नॉन अलाइनमेंट था इतना अनप्रिंसिपल था कि ऑन सम इंटरनेशनल मेजर इश्यूज इंडिया कभी भी एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाता था और इट कुड नॉट टेक ऑन सम पॉइंट। सेकेंड, it is suggested that India was inconsistent and took contradictory postures, having criticized others for joining alliances. India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. ये आप सबको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं समझाता हूँ। ये जो Treaty of Friendship हुआ था ये उस टाइम पे हुआ था जब बांग्लादेश क्राइसिस था और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। उनको एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी इशू देखना पड़ा था, मतलब फेस करना पड़ा था अपने देश में, जिस कारण हम लोगों को मिलिट्री हेल्प, फाइनेंशियल एड और मतलब इकोनॉमिक हेल्प या फिर लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे। तब एक सुपर पावर से हेल्प लेने में कोई इशू नहीं था, ऐसा हम लोगों को लगता है बीइंग इंडियंस। इसलिए उन्होंने तब जस्टिफिकेशन भी दिया था इसके बारे में, और उन्होंने अगस्त 1971 में 20 इयर्स के लिए मतलब टिल 1991 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी यूएसएसआर के साथ। दिस वाज रिगार्डेड पर्टिकुलरली बाय आउटसाइड ऑब्जर्वर्स एज वर्चुअली जॉइनिंग द सोवियत अलायंस सिस्टम। देखिए अभी जब बाहर के लोग देख रहे, बाहर के दृष्टिकोण से लगता है कि हम लोग अभी यूएसएसआर के अलायंस में घुस गए, हम लोग अभी ईस्टर्न अलायंस में घुस गए, बट एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट था इस पे? इंडिया नीडेड डिप्लोमैटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस एंड दैट इन एनी केस द ट्रीटी डिड नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस। देखिए अगर अभी हम सही में ईस्टर्न अलायंस में घुस गए होते या वॉर्सो पैक्ट के पार्ट होते तो फिर हमको तो यूएसएसआर यूएस के साथ मिंगल करने को अलाउ नहीं करता, पर हम लोग की गवर्नमेंट यह कहते कि हम लोग उनके साथ भी मिंगल कर सकते थे। दिस मीन दिस वाज जस्ट अ हेल्प गिवन और रेंडर्ड बाय यूएसएसआर टुवर्ड्स इंडिया। इसके कोई भी डिप्लोमेटिक या फिर ऐसे अलायंस फॉर्मेशंस की तरफ कोई स्टेप नहीं था। नॉन अलाइनमेंट एज ए स्ट्रेटेजी वुड इवॉल्व इन द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट, और इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन 1991, ये पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोल्ड वॉर कब हुआ था? इन 1991। नॉन अलाइनमेंट बोथ एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट एंड एज कोर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लॉस्ट सम ऑफ इट्स अर्लियर रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। It was based on a recognition that decolonized states share a historical affiliation and can become a powerful force if they come together. तो इसका जो आइडिया था ना बहुत सिंपल था कि as सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या फिर पुअर कंट्रीज है वो एक सेम हिस्ट्री, मतलब उनका एक सिमिलर सा हिस्ट्री वो लोग बिलोंग करते कि उनको किसी ने रूल किया या फिर वो गरीबी से आए, उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल किया या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल किया और आज उन्हें इंडिपेंडेंस मिली है। तो ऐसे सिमिलर हिस्ट्री के कंट्रीज अगर एक जुट हो जाए और एक साथ खड़े हो तो दे कुड ब्रिंग सम चेंज। जो हमने पहले पढ़ा था कि एनआईओ का रिलेवेंस कैसे कम हुआ, बिकॉज द अपर वर्ल्ड कंट्रीज मीन्स द फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बिकेम यूनाइटेड, बट हमारे जो थर्ड वर्ल्ड की नाम नेशन से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगे थे। तो इसका आइडियोलॉजी यही था। इट मेंट दैट द पुअर एंड ऑफन वेरी स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड need not be become followers of any of the big powers, that they could pursue an independent foreign policy. It was also based on a resolve to democratize the international system by thinking about an alternative world order to redress existing inequalities. These core ideas remain relevant even after the Cold War has ended. ये ideology आज के date पे भी relevant है। अभी हम कुछ आर्म कंट्रोल ट्रीटीज के बारे में बात करेंगे। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ये फुल फॉर्म्स आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। एलटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ये क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस या फिर अंडर वाटर बैन कर दिया गया था। इसको साइन किन कंट्रियों ने किया था? यूएस, यूके और यूएसएसआर। ये कहाँ पे साइन हुआ था? मॉस्को। कब? मेरे बर्थडे पे, 5 अगस्त, पर ना मेरे बर्थडे के बहुत पहले ही हो गया था, नियरली 30 to 40 years पहले, 1963। एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 10 अक्टूबर 1963। तो ये मतलब ये 2 महीने बाद इसको एनफोर्स किया गया था। एनपीटी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और ये क्या था? अलाउस ओनली द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्टॉप्स अदर फ्रॉम अक्वायरिंग देम। तो जो न्यूक्लियर स्टेट्स थे उन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे और जो बाकी कंट्रीज है उनको नहीं मिलेगा। फॉर द पर्पज ऑफ एनपीटी अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज वन, मतलब इसका डेफिनेशन एनपीटी के हिसाब से क्या पड़ता है? A state which has manufactured and exploded the nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1st January 1967. तो मतलब इनके हिसाब से अगर आपको न्यूक्लियर स्टेट बनना है तो 1967 के 1 जनवरी से पहले आपका टेस्ट हो गया होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सप्लोजन। अगर नहीं हुआ तो भाई आप नहीं हो। जैसे इनके हिसाब से 5 न्यूक्लियर स्टेट्स क्या थे? यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। देखिए यहाँ पे एक चीज देखने जैसी है, यूएसएसआर का नाम था पर यहाँ पे लेटर रशिया बन गया, मतलब कितने इजीली हायरार्की में बदलाव आया। तो दिस वाज साइंड इन वॉशिंगटन, लंदन एंड मॉस्को ऑन जुलाई 1st 1968। इसको एनफोर्स किया गया था ऑन 5 मार्च 1970 और इसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड किया गया था इन 1995। तो यहाँ पे इन्होंने 5 न्यूक्लियर स्टेट्स के बारे में बोला है, पर आपको पता है इंडिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करेंगे कि करेंटली वर्ल्ड के सारे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन से हैं। तो ये तीसरा SALT 1 और इसके बाद SALT 2 भी है। दोनों का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1 and 2। ठीक है। तो जो पहला राउंड हुआ था ऑफ दिस टॉक्स बिगन इन नवंबर 1969। तो इसमें कौन से लीडर्स ने पार्ट लिया था? सोवियत के लीडर लियोनिद ब्रेझनेव एंड द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। उन दोनों ने साइन किया था इस ट्रीटी को इन मॉस्को ऑन 26 मई 1972। सो जो 2 ट्रीटीज थे वो क्या थे? ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एबीएम ट्रीटी एंड इंटरिम अग्रीमेंट्स ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। ये दोनों ट्रीटीज और ये बेसिकली SALT 1 एनफोर्स कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1972। और अभी SALT 2 की बात करते हैं। The second round started in November 1972. किन दोनों लीडर्स के बीच में हुआ था? यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एंड सोवियत लीडर लियोनिद ब्रेझनेव। लियोनिद ब्रेझनेव दोनों SALT टॉक्स के बीच में कॉमन है, ये याद रखिएगा, उसको एग्जाम में हेल्प आएगा आपको। साइंड द ट्रीटी ऑन लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स ये साइन हुआ था वियना में, कब? 18 जून 1979 में। अभी हम लोग स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। दोनों का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1 एंड 2। ये ट्रीटी साइन किन के बीच में हुई थी? हम लोग अभी स्टार्ट 1 की बात कर रहे हैं। ये साइन हुई थी बिटवीन यूएसएसआर प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव एंड द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में हम आगे के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत कुछ किया था रशिया के लिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑन द रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन मॉस्को, तो ये ट्रीटी साइन हुई थी मॉस्को में ऑन 31 जुलाई 1991। अभी हम स्टार्ट 2 की बात करेंगे। ये ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सेन एंड यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर। तो आप देख रहे पहले था यूएसएसआर प्रेसिडेंट, यूएसएसआर लीड, यूएसएसआर लीडर, अभी हो गया रशियन प्रेसिडेंट। मतलब यूएसएसआर कोलैप्स कर चुका है, वहां पे रशिया अभी एक सुपर पावर की तरह निकलने की कोशिश कर रही है। मतलब जो उसका उसका जो था सारा विल, आप सबूत लीजिए, अगर पापा एक्सपायर किए तो अभी सारे विल के दस्तखत नाम वाम अभी आपके नाम पे हो गए, ठीक है? तो वैसे हायरार्की भी चेंज हुई है। तो इसलिए अभी रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने साइन किया विद यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर ऑन द रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन मॉस्को ऑन 3 जनवरी 1993। तो ये है अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। इनका सोल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा और इसमें मैं चैप्टर नोट्स नहीं दूंगा क्योंकि चैप्टर नोट्स तो प्रीवियस पार्ट्स में दिया हुआ है। तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द सोल्यूशंस। सो यहीं पे हम लोग अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ। थैंक्स।